आपका चयन आपकी नींद के लिए बात है हम खाकी बनने वाले। एक करके प्रत्येक टोली का निरीक्षण करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। गर्व का पल हम पुलिस परिवार वालों के लिए भी आज का वो दिन जिसकी हम सब वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। भैया सामने से नहीं हमारे प्रदेश के पुलिस को समाज और कानून व्यवस्था की सही अर्थों की रक्षक हर हाल में सभ्यता है खाकी पूरे समाज को मुसीबत में ईश्वर के बाद कोई ज्यादा नाटक आता है तो वो हमारी पुलिस को हर समस्या का तुरंत हल दिखता है और बताता है। हमारे लिए विश्वास और गर्व का और पुलिस से भी समाज के सुरक्षा का सदैव सम्मान है। एक एक करके सभी टोलियों का निरीक्षण करते हैं मंच की ओर बनते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी। वैसे गिरना से लोग जोरदार तालियों से हमारे जवानों का हौसला अफजाई करिए। बहुत जोरदार तालियां हमारे फोर्स के लिए हमारे पुलिस के लिए पुलिस परिवार के लिए आप सब के लिए हम सब के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी पुनः मंच की ओर मंच पर आसीन। एक बार जोरदार तालियों से हम पुनः आपका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। और अब परेड गाना हर्ष भाई बारी बारी
राष्ट्रगान के लिए। परेड कमांडर प्रथम अपना स्थान लेते हुए और अब शुरू होने जा रही है पूरी सरधज के साथ ये अपनी रैतिक परेड जो आपके सामने मौजूद है। ये भव्य परेड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर प्रथम आईपीएस श्री सुमेंद्र मीना साहेब जी, पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अटल भूत परेड। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, समाज को सब कुछ दिए चले ना उससे कुछ लिए चले, दो बातें भी सबकी सुनी, कुछ हंसे और फिर काम पर चल दिए, छक कर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से दिए चले, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, इतिहास साक्षी है कि सदा से ही पुलिस बल अपने कर्तव्यों के आगे स्वयं को न्यौछावर करता आया है, जो हम समाज को राष्ट्र को मानवता को दे रहे हैं वह अतुलनीय है, हम हैं तो सुरक्षा है,
हम हैं तो व्यवस्था है, हम हैं तो अमन शांति है, हमारे दम से ही तो हमारे शौर्य से हमारे शौर्य से अखंडता है। सच कहें तो हम जो समाज को दे रहे हैं वह अतुलनीय है। हमारा योगदान ऐसा है जो सबके बस की बात नहीं है। इस बल में आने के लिए जिस जज्बों की आवश्यकता है, जिस तेज की आवश्यकता है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, वह हर एक के बस की बात नहीं। हम विशेष होंगे। हम भले स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान न कर पाए, लेकिन माँ भारती के लिए, भारत माँ के लिए, समाज के लिए हम सदैव तत्पर हैं। इस देश की जनता के सेवक और रक्षक हैं। इन्हीं जोशीले जज्बों के साथ यह परेड राजपुरी रैतिक साज सज्जा के साथ आपके सामने से गुजर रही है। मंच के सामने परेड कमांडर प्रथम और द्वितीय और प्रथम टोली नागरिक पुलिस के उप निरीक्षक सुरजीत सिंह के नेतृत्व में द्वितीय टोली कार्यालय टोली उप निरीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में तृतीय टोली सीईआर उप निरीक्षक अरविंद कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस उप निरीक्षक यातायात सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में पंचम टोली पीएसी टोली उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में शस्त्र टोली महिला टोली महिला उप निरीक्षक सुनीता यादव के नेतृत्व में होमगार्ड टोली उप निरीक्षक रमाकांत पांडे जी के नेतृत्व में अष्टम टोली महिला आरटीसी टोली आरक्षी प्रीति शुक्ला के नेतृत्व में नवम दस्ता युवा पीढ़ी एनसीसी की टोली सचिन निशा के नेतृत्व में पूरे शहर की व्यवस्था को पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सिविल डिफेंस की टोली सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करिए। चारवा दस्ता घुड़सवार टोली प्रेम शंकर मिश्रा के नेतृत्व में बारहवा दस्ता धीरे धीरे मंच की ओर अपनी गति को थामे बढ़ता मोटरसाइकिल दस्ता उप निरीक्षक शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में सर्वत इज्जत और अखबार का मानव है। चौदहवा दस्ता तेरहवा दस्ता सुराजी क्राइम ब्रांच अमित अर्चलित के नेतृत्व में रोहित कुमार पांडे के नेतृत्व में बोल्स को इस ध्रुव को बताता हुआ इसके बाद फॉरेंसिक दस्ता वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रीमती मनीषा सिंह के नेतृत्व रुदय यादव के नेतृत्व में
हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ और बैंड की टोली बैंड मेजर राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में ये गौरवमयी पल हम सब इसके साक्षी। एक बार जोरदार तालियां इस पूरी परेड के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे पुलिस फोर्स के लिए। हमारा तिरंगा केसरिया रंग त्याग का बलिदान का प्रतीक, सफेद रंग सच्चाई शुद्धता की पहचान, हरे में ताजापन है, जिंदगी का बागपन है, चक्र में अबाध गति है, प्रगति है। ये ध्वज विविधताओं की सुंदर बनावट है। शायद इसीलिए कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। परेड के निरीक्षण के लिए मध्य से तेज चलकर और जनरल सैल्यूट के लिए परेड सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई। पुलिस उप निरीक्षक महोदय से अनुरोध, संकल्प को बढ़ाने का अनुरोध करें। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तू कहां की माटी से आता है, तू कहां की माटी को पाता है। मेरे देश का हर वीर सिपाही देश का नाम अमर कर जाता है। मैं अनुरोध करूंगी अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे फोर्स के जवानों को हम सबको अपना आशीर्वाद दें। सभी लोग 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार तेजी से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रयागराज, मोबाइल नीचे करो, इस पुलिस लाइन में जहां हमारे मोबाइलों से खींची है ऊपर पुलिस के अधिकारियों में यहां के आईजी श्री केपी सिंह जी, यहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईडियो तो नीचे करो यार, सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी और सभी पुलिस के हमारे प्रिय अधिकारीगण, गणतंत्र दिवस के इस पुलिस लाइन परेड समारोह में पधारे हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रयागराज नगर के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवा प्रदान करने वाले समाज के सभी विशिष्ट जन, और जिस परेड को अभी हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उस परेड में अलग अलग प्रकार से अपनी सेवा प्रदान करने वाले हमारे वीर जवान, और इस परेड में हमने महिला सशक्तिकरण का भी स्वरूप देखा है, ऐसी हमारी सभी प्रिय बहनें, सभी पत्रकार मित्रों, 26 जनवरी का महत्व हम सबको ज्ञात है। आज जहां देश की तीनों सेनाओं के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली में जमुना नीचे कर भैया है परेड का आयोजन किया गया है, उसी प्रकार से देश के विभिन्न प्रदेशों में भी इस प्रकार की परेड संपन्न हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में आज का यह गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ है, और मुझे सौभाग्य मिला है तीर्थराज प्रयागराज में पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने का। आज हम सबको जब हम देश की दृष्टि से सोचते हैं, प्रदेश की दृष्टि से सोचते हैं, तो गर्व होता है कि आज हमारा देश और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अभी हम सब लोगों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो संकल्प दोहराया है, उस संकल्प में भारत के संविधान की मूल भावना समाहित। आप सबको इस बात पर भी गर्व होगा कि जहां हम सीमाओं पर देश के बहादुर सेना के ज्योति अगुवाई में कोई भी शत्रु देश अगर हमारी ओर आंख उठा करके देखने की कोशिश करता है, तो इस समय उसे हम शांति के पक्षधर हैं लेकिन कायर नहीं है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि आज हमारे वीर बहादुर सैनिक गोली का जवाब गोला से देने का काम अगर सीमा पर दुश्मनों को कर रहे हैं,
तो मुझे इस बात पर गर्व है कि प्रयागराज की पुलिस सहित उत्तर प्रदेश की पुलिस बल निरंतर अपनी सेवा कठिन से कठिन परिस्थिति में प्रदान करते हुए जो कार्य किया जा रहा है उसकी चतुर्दिक सराहना हो रही है, प्रशंसा हो रही है। मैं भी आज इस मंच से प्रयागराज के संपूर्ण पुलिस बल को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और आपकी सेवाओं की पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवाओं की पूरे देश के अंदर सराहना भी होती है। मैं आज आप सबको यहां पर इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने शपथ लिया है और जब से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने शपथ लिया है, तो देश इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि हमारी यही सेना और यही पुलिस देश की भी रक्षा करने में सामर्थ है, ईंट का जवाब पत्थर से देने में भी सामर्थ्यवान है और यही पुलिस के जवान आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने का काम किए हैं और अगर कोई संकट आया उसका मुकाबला करने का काम किए हैं। तो मैं आज इस अवसर पर आप सबके बीच में एक जानकारी केवल शेयर कर रहा हूं, शायद आप सबको जानकारी होगी। हम सब लोग यह तय किए हुए हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा हमारे सेना के जवान करते हैं, अर्धसैनिक बल के जवान करते हैं और नागरिकों की रक्षा का काम हमारे पुलिस के जवान करते हैं। वैसे हमने अलग अलग प्रकार से कई योजनाओं को प्रदेश में लागू करने का काम किया है, लेकिन सबसे पहले मैं सामने ही भारत रत्न मिसाइल मैन के नाम से जो राष्ट्रपति के रूप में एक आदर्श सेवा काल हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं, हम लोगों ने यह तय किया है कि जो हमारे हाई स्कूल और इंटर के टॉप 20 बच्चे जो टॉप करेंगे हाई स्कूल में या इंटर में, उनके घर तक की सड़कों को उस बच्चे के फोटो को लगा करके, उस बच्चे के घर और उस बच्चे की स्कूल जिस स्कूल से पढ़ करके वो टॉपर की सूची में अपना स्थान लाया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पद के नाम से वो ऐसी सड़क बनाने का काम हम सब लोग करते हैं। दूसरी सूचना मैं आपको इसलिए यहां पर देना आवश्यक समझता हूं कि हमारे पुलिस बल के अंदर अनेक खिलाड़ी भी हैं और खिलाड़ियों के सम्मान में हमारी सरकार ने तय किया है कि जो भी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक जीत करके लाएगा उसके घर तक की सड़क को मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से बनाने का काम करें। तीसरी बात, हम जानते हैं आप सबने कानून व्यवस्था को संभालने के लिए तमाम विपरीत चुनौतियों का सामना किया, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए शत्रु से लड़ते समय यह पता नहीं चलता कि इधर की गोली जाएगी तो दुश्मन का जो काम तमाम करना वो तो करेगी, उधर से भी गोली आएगी तो कभी भी किसी को अपना बलिदान देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से अपराधियों से, माफियाओं से, गुंडों से, बदमाशों से लड़ते समय हमारे पुलिस के भी बहुत सारे जवानों को वीरगति प्राप्त होती है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर यह तय किया है कि ऐसे हमारे वीर सैनिक जो सीमा की रक्षा करते हैं और जो हमारे पुलिस के जवान राज्य के नागरिकों की रक्षा करते हैं गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से, और कई बार इनकाउंटर की स्थिति भी आती है उसमें कई बार हमारे कई जवानों का बलिदान हुआ है, तो सेना सीमा पर बलिदान देने वाले हमारे सैनिक और राज्य में बलिदान देने वाले हमारे पुलिस बल के जवान, यह दोनों हमारे लिए एक समान है। इसे हम लोगों ने यही तय किया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जहां माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम
करने का सरकार ने निर्णय लिया है और उसे आप अंजाम देने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसे संघर्ष में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में सीमा पे दुश्मन से लड़ते हुए और प्रदेश में अपराधियों से लड़ते हुए अगर किसी को वीर गति प्राप्त होती है तो उनके घर तक के मार्ग को भी हम लोगों ने जय हिंद वीर पद के नाम से बनाने का यह भी निर्णय प्रदेश के अंदर लेने का काम किया है। और बहुत सारे विषय हैं, मैं उन पर जाना नहीं चाहता क्योंकि आज यह विषय आप सबके सामने रखना था। प्रयागराज से हम सबका गहरा नाता है। हमारे यहाँ जहाँ सामाजिक समरसता, धर्म निरपेक्षता, आपस की एकता एक मिसाल है, एक संदेश है। मैं आप सबको आज के दिन यह आह्वान करूंगा, हम 72वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबको गर्व है कि हमारा देश तीव्र गति से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी के समय जहां हमारे देश के चिकित्सा जगत से जुड़े हुए डॉक्टर से लेकर के चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए सफाई कर्मचारी और एम्बुलेंस चालक तक को भी नर्सिंग हो पैरामेडिकल उन लोगों ने सेवा की है, तो उससे कम हमारे पुलिस और प्रशासन के लोगों ने कम सेवा नहीं की है। लेकिन इसी बीच एक उपलब्धि देश को प्राप्त हुई है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तैयार करने का काम किया। आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है, ब्राजील के राष्ट्रपति अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके बताते हैं, जैसे हनुमान जी त्रेता युग में लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तो संजीवनी बूटी लेकर के उड़ते हुए हिमालय पर्वत से और श्रीलंका पहुंचे थे, उसी प्रकार के चित्र को उन्होंने अपने ट्वीट में पोस्ट करने का काम किया कि भारत से स्वदेशी वैक्सीन और वह ब्राजील पहुंच रही है। तो यह भारत के गौरव की बात है। हम सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, गरीब की दृष्टि से, किसान की दृष्टि से, हम हर दृष्टि में आगे बढ़ने में सफल रहे। आप सबसे मैं आह्वान करूंगा 26 जनवरी 2021 को, यह बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यह 26 जनवरी मनाने का अवसर हमें ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है, हमारे अनगिनत पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमने का काम किया है। वह जो बलिदान दिए उनके कोई स्वप्न रहे होंगे, वह स्वप्न अधूरे नहीं रह जाने देंगे, उनके हर स्वप्न को पूर्ण करने का काम करेंगे। आज के दिन हमें यह संकल्प लेने का काम करना है। सरकार के स्तर पर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर यह कह सकता हूं कि सरकार ने सभी क्षेत्रों का, समाज का कोई हिस्सा सरकार की योजनाओं से वंचित ना रह जाए। भारत सरकार की योजनाओं को 100% हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, रोजगार के व्यापक अवसर मिले हैं और आने वाले समय में, अभी इतने से हमें हमारा कार्य पूरा नहीं होता है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन हम अपने देशवासियों की, अपने प्रदेशवासियों की जो यह जागरूकता है, जो एकजुटता है, इस एकजुटता के बल पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबको आज, चूंकि इतनी शीतलहरी के बीच मैं देख रहा हूं जहां हमारे जवान हम सबके सामने सीना तान करके हम सबकी सुरक्षा करने के लिए खड़े हैं, वहीं हमारे नगर के जो नागरिक परिवार है, तमाम सारे सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिगण हैं, हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधिगण यहां पर आए हैं, यहां हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के और अन्य राजनीतिक दलों के भी हमारे साथी आए होंगे। मैं सभी को और इस मंच के माध्यम से, प्रयागराज की पुलिस लाइन के माध्यम से, यह मैं आप सबको शुभकामना और बधाई देता हूं कि आइए हम सबको एकजुट होकर के, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के कारण से हम सब के पास एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हर 5 वर्ष में चुनाव भी लड़ने का मौका आता है। लेकिन चुनाव जो लड़ने का मौका आएगा तब जरूर चुनाव लड़ेंगे, विचार के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे और जनता की अदालत से जो फैसला होगा उसको स्वीकार करके देश और प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। लेकिन जब चुनाव नहीं है तब हम सब लोग एकजुट होकर के अपने देश को और अपने प्रदेश को मजबूत बनाने का, अपने उन वीर पूर्वजों को जिन्होंने बलिदान दिया है, अपने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने यातनाएं सही है अंग्रेजों की, उन सब का स्मरण करते हुए आज हम सब मिलकर के संकल्प लेंगे कि जो स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखा,
जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक दिशा दी, हमें एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के पथ पर चलते हुए हम कानून व्यवस्था को भी बना करके रखेंगे और सीमाओं की सुरक्षा को भी हर कीमत पर सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं बहुत सारी बातें आप सबके बीच में बोल सकता हूं, लेकिन लंबा भाषण करने की जगह आप सबको एक बार फिर से और इस मंच से अपने समस्त प्रदेशवासियों को, अपने समस्त देशवासियों को और अपने सभी विश्व के अनेक अनेक देशों में रहने वाले भारतवंशियों को मैं 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और भी खूबसूरत और ऊंचा देश का नाम हो जाए, काश के हर बालक विवेकानंद और हर कोई कलाम हो जाए। आपके शब्दों